Are we ready? Ready for? आपकी आवाज इतनी बदल कैसे गई? वो एक्चुअली में मेरा गला खराब है. और आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. हाँ. We've never done something like this before. Okay. And actually, at some point, I think he and I should take the test as well. हाँ, वो कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे. Correct. ठीक है? तो आप यहाँ पर बैठ जाइए. Okay. आपके पास तीन buzzers हैं यहाँ पर. Okay. Each buzzer. Now, पहला है chilling cold. जैसे मैंने कहा शादी अभी मतलब 7 साल हो गए शादी के लिए. Next is नरम गरम. And the last one is पलंग तोड़. तो आप डिसाइड कीजिए, हम अपने कपल्स को बुलाते हैं. रिलैक्स गाइज, डोंट गेट एक्साइटेड, लुक एट ऑल द मेन चीपोज. मैं भी उसमें से एक हूँ. सो एनी वेज, मटर गस्ती गाने पर होने वाला है ये डांस ऑफ. ये डांस ऑफ मैं इसे डांस ऑफ नहीं बुलाऊंगा, इसे केमिस्ट्री बुलाऊंगा दो लोगों के बीच, दीपिका रणबीर जैसी केमिस्ट्री. सो आर वी रेडी टू वेलकम आवर फर्स्ट कपल? डेमो के तौर पर ऐसा कुछ आपको भेजना है. लेडीज एंड जेंटलमैन, कपल नंबर वन हाजिर हो. Ranveer, Deepika. Just a question. Are you guys a couple or aap jante hain, dost hain? Yeah, we are friends, very close friends actually. Same college, work, colleagues. Yeah, same college. Just college friends, nothing else. Okay. So I guess we should do our ratings. Dudum, dudum, dudum. Look at serious face banao. Kis pe aaya hai? Naram garam. इसलिए बाहर डोरे डालोगे तो ऐसे ही होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बेस्ट लक. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. यू विल हैव स्टिफ कंपटीशन बट नाउ आफ्टर यू, सो यू विल हैव टू प्रे एंड ऑल एंड होप यू ऑल. कपल नंबर टू. सर आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, इट वॉज लवली, आप दोनों बहुत अच्छा डांस करते हो. बट आई गेस जहाँ हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑफ कि आप क्या कर सकते हो, बट इट्स अबाउट अ कनेक्शन. तो इसमें थोड़ा कनेक्शन मुझे मिस रहा कि आप अलग से कर रहे थे, आप अलग से कर रहे थे. तो कोऑर्डिनेशन की बात भी नहीं होती, एक जब कनेक्ट होता है कि यू नो आप यू ऑल इन सिंक विद ईच अदर, आई गेस तब केमिस्ट्री पैदा होती है. तो मेरा ये छोटा 2 बिट्स ये था. दीपिका मैम, आपकी क्या राय है? रणबीर ने बोल दिया, आप तो बस बोल दिया. They don't want you basically. They're saying get out. This is not fair. They are saying, I'm saying. You go that side, go. He doesn't love you. He loves you. Come. She doesn't love you. Hello, hello, hello. I didn't say there. I said that side. Go there. Huh. Yes. See, this chemistry is between two of you. So you can't say and like you like Ranbir and that he likes me and all. This is about y'all. Yes, I think I give y'all points that y'all came in as a unit, y'all came in as a couple, y'all were holding hands. That obviously means that y'all wanted to do this together, and maybe y'all were nervous, so y'all were passing each other good energy. I definitely enjoyed it better than the first act. I disagree with Ranbir. I felt that y'all were a little more in sync than the first couple that I saw. सबसे पहले आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल आपकी आंखों तक पहुंच जाती है. एंड जब आप लोग दोनों डांस कर रहे थे तो ऐसे ही लगा, लाइक मैं पहले कह रहा था कि बहुत कनेक्टेड थे. आप शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो बहुत वो जाहिर सी बात थी कि आपके बीच में एक अच्छी इनबॉर्न केमिस्ट्री है. सो आई वुड रियली रेट दिस परफॉर्मेंस गुड. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. दीपिका, आपके पर्सपेक्टिव? सर ने बोल दिया तो बस. सर 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 ने बोल दिया. No, I think y'all had the best chemistry out of all the couples that we've seen so far. आपने कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की. जो भी आप दोनों ने किया बहुत अच्छे से किया. Y'all were in sync. And most importantly, आपने enjoy किया. And I think that's what chemistry is all about. It's not about showing, but what you genuinely feel for each other. So congratulations. तो जजेस की विशेष टिप्पणी तो आपको यहाँ पर मिल गई.
अब देखते हैं जनता क्या बोलता है आपके बारे में. जनता आपको कैसे लगा? डोंट फुलफिल एंड ब्रिंग योर डिजायर्स ओवर हियर. कैसे लगा आपको? वेरी नाइस. नो तो लेट्स सी, जनता भी बोल रही है पलंग तोड़. देखते हैं जजेस क्या कहने वाले आपके इस डिसीजन पे. दे दिया पलंग तोड़ नोमिनेट. रणबीर दीपिका आपसे मेरा सवाल है. यू नो आपकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से जिक्र होता है, हमेशा से बात करी जाती है केमिस्ट्री को लेके, और डिबेट भी होती है रणवीर या रणबीर कपूर इस बात को लेके भी बड़ा डिबेट का मसला है ये. अब ये किसका आइडिया था, मतलब ये पूरा का पूरा यू नो केमिस्ट्री मीटर किसका आइडिया था ये? हुज आइडिया वाज एंड डू यू थिंक इट गोइंग टू हेल्प द फिल्म? I don't know, help the film, not help the film, I don't know. We thought it was a fun idea, we thought it was a fun concept. हर फिल्म के साथ शायद ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा हमको. But we felt that so much was being spoken about our chemistry, so much was being spoken about our Jodi. How do we include our fans and people who are invested in the film and people who are a fan of the film as well? How do we make them a part of this journey? And that's why we came up with this idea. And most importantly, I think kahin na kahin ye film se juda hai, because the film also talks about not necessarily chemistry, but the film is also talking about how relationships today are youngsters ke beech mein especially relationships mechanical ban gaye hain. There is a kind of boredom that has set in, especially in the youth, because of lifestyle, because of various reasons. So we just felt it was a fun thing to do to get couples more involved with themselves and as well as with our journey with the film. I think that that'll be unfair if we rate ourselves. You know, we've been lucky that our last film, Ye Jawani Hai Diwani, did very well at the box office. People liked us. But I think the responsibility is that with this film, Tamasha, you know, when the audience sees it, they rate our chemistry and if they like us. You know, there are so many great pairs, great on-screen pairs of the film industry that, you know, they use our names in the same breath as them, which is really amazing, for, you know, the fact that it can be used with them. But I think we have to prove ourselves with better films, you know, better performances. And I really hope that Tamasha also adds to that. Okay, Deepika, mera sawal aap se hai, you know, chilling, naram garam, palang tod, aur Ranveer Kapoor ki baat karo, ya Ranveer Singh ki baat karo, dono ke saath jo bhi filmen aapne ki hai, bahut kamyab rahi hai. Chemistry ki bahut charcha rahi hai. अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है, तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़े यार. अगर ऐसा कुछ है तो मतलब उसके ऊपर, जहाँ केमिस्ट्री मीटर लिखा है ना, उससे ऊपर भी. हाय हेलो, हाय रणबीर, हाय कैटरीना, वसीम हियर फ्रॉम इंडिया न्यूज. सॉरी दीपिका, आई एम रियली सॉरी. मैं इट वॉज अनइंटेंशनली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. नो नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. रणबीर आपसे सवाल है, और पहला दूसरा सवाल आपसे है दीपिका. अब तो सही बोला मैंने. पहली बार जब आपकी केमिस्ट्री सिल्वर स्क्रीन पे आई थी, तो फैमिली में क्या रिएक्शन था? कभी फैमिली में या पापा ने या डैडी ने या रिलेटिव ने कहा कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? और दीपिका से मेरा सवाल है कि जब आप पहली बार रणबीर से मिली थी, हाउ वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज इट फिल्म के ड्यूरेशन? मैं एक्चुअली सवाल इतनी अच्छी तरह समझा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. आई थिंक जहाँ पापा का सवाल है या फैमिली का सवाल है, वो ज़्यादातर केमिस्ट्री नहीं देखते, वो फिल्म देखते हैं. मेरा काम शायद उनको ज़्यादा नज़र आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन मुझे याद है कि मैं दीपिका से जब पहली बार मिला था, वो रिलीज़ के पहले, ओम शांति ओम और सावरिया अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी. हम लोग फिल्मिस्तान में शूट कर रहे थे, एंड एक साइड सावरिया का सेट था और पीछे आई थिंक उन लोग ओम शांति ओम का एक गाना शूट कर रहे थे. तो जैसे ये फिल्म में ड्रीमी गर्ल है, वैसे ही मैं बाहर एक्चुअली स्टूडियो के बाहर आया और ये अपने कॉस्ट्यूम में ऐसे गुजर रही थी. तो उसी वक्त आई थिंक एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो था, वही था कि ये बहुत ही यू नो बड़ी स्टार बनने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल थी. एंड आई थिंक उसने ये इसको लगातार आगे बढ़ा है अपने लाइफ में. आई थिंक शी इज़ ओनली बिकम बेटर देन दैट फर्स्ट इमेज ऑफ व्हाट आई सॉ हर. और दूसरा सवाल ये है, रणबीर दूसरा सवाल ये है, मैं खुद ही भूल गया. जी आप पूछ. हेलो, नाम के साथ बहुत चीज़ें भूल रहे हैं आप. जी हाय रणबीर, दीपिका जी आप दोनों से सवाल है. जब राज कपूर नरगिस या फिर शाहरुख काजोल या फिर नीतू जी ऋषि जी जैसे
इतने दिग्गज कलाकारों से आपकी तुलना की जाती है आपकी केमिस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है या कुछ घबराहट होती है कि नहीं, सबसे पहला रिएक्शन आई थिंक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे आर द ग्रेट्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, बट आई थिंक हाँ ऑफकोर्स एक जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी सिर्फ दो फिल्में बाहर आई हैं, ये तीसरी है, आगे जाकर अच्छा काम करना है, अगर अच्छा काम करेंगे अच्छी एक्टिंग करेंगे तभी जाकर यू नो वो उस टाइटल का हकदार हम मानेंगे, बट अभी तो एज समबडी हु इज यू नो रिलेटिवली न्यू इन द इंडस्ट्री ऑन फेस वैल्यू बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट थिंक वी एक्सेप्ट इट, इट्स टू मच टू एक्सेप्ट। आप दोनों को किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन? आप दोनों को कौन दूसरे कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? शाहरुख एंड काजोल, दे ऑल टाइम फेवरेट्स, आई थिंक हम डिस्कस करते रहते हैं कि यू नो हाउ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैज इंपैक्टेड आवर लाइव्स, हम एक्टर बने हैं बिकॉज ऑफ हमने क्या देखा था उस फिल्म में, देयर सो मेनी यू नो देयर इज यू नो नेम सम, राज कपूर एंड नरगिस ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन रेखा, सलमान खान ऐश्वर्या राय, ऋषि कपूर नीतू सिंह, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, जितेंद्र जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय, आमिर खान जूही चावला, देन नेम सर, दिस नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इट्स ओके, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, गोविंदा, करिश्मा कपूर, एक मिनट एक और होगा, श्रीदेवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह, दीपिका पाडुकोन, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, और कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, और कौन कौन बाकी है, रणबीर, अक्सर ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में कि शाहरुख खान कहते हैं कि दीपिका उनके लिए लकी चाम है, आपकी भी फिल्में जितनी की हैं सारी सुपर डुपर हिट रही हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्म हो, क्या आपके लिए दीपिका लकी चाम है? मेरा यू रिमेंबर्ड योर क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन, अरे जल्दी एक च्यवनप्राश का चम्मच खा लिया। नहीं यू नो मेरा यही मानना है कि आई थिंक जब आप किसी एक्टर को किसी कलाकार को लकी बोलते हो तो आई थिंक वो आप उनके काम से थोड़ा कुछ निकालते हो, दीपिका जो कुछ है अपने हार्ड वर्क की बदौलत से, मेहनत की बदौलत से है, आई थिंक सो आई वुडंट कॉल हर लकी चार्म, लेकिन आई थिंक जो भी फिल्म दीपिका करती है वो अपने दिल से करती है, मेहनत से करती है, अपनी चॉइस भी उसकी बहुत अच्छी होती है, तो आई थिंक मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं उनको लकी बोलना नहीं चाहूँगा।